और भाई तिशा, पैनल ले लिया? आ गए मजे? हाँ यार, ले तो लिया है, बट एक साल की मजे थे वो तो बस। अब एक साल बाद वापस इसने दिक्कतें करनी शुरू कर दी। अब एक साल हो गया है, प्रॉब्लम्स तो होंगी। अब जानना चाहोगी उसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस क्या? सॉल्यूशंस हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर तुम्हारे पैनल में कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है तो उसके लिए क्या करना है, जिस भी वेंडर से तुमने अपना पैनल लिया है सीधा उसको कांटेक्ट करो, और कांटेक्ट करने के बाद जो भी तुम्हारी पैनल के रिगार्डिंग छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो तुम्हारी फर्स्ट स्टेप पे ही सॉल्व हो जाएगी। और अगर इसमें कोई मेजर इशू आ गया फिर? उसके लिए भी हम हैं। उसमें क्या करना है, दूसरा स्टेप, अगर तुमने किसी भी ब्रांड का पैनल लिया है, सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, सबकी वेबसाइट होती है वहाँ पे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, उन पे जाके तुम्हें उस ब्रांड के कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है और उनको कॉल लगाना है, उनसे बात करनी है, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें बताओ, वो ही इस पैनल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें क्या है, हर पैनल के OEM होते हैं, उस वो OEM क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, वो ही प्रॉब्लम्स के लिए एंड सर्विसेज के लिए लाइबल होते हैं। तो जो भी तुम्हारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो तुम्हारी टाइम से ही सॉल्व हो पाएंगी तभी के तभी। तो ये सारे सॉल्यूशंस थे, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। और आपको और ऐसे कंटेंट के लिए चाहिए तो आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।